Assalamu alaikum, beautiful people. I hope you guys are having an amazing, amazing, amazing day. Welcome back to Engineer Move Vlogs. So, बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए. तो आज का ब्लॉग है ना थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 4. फजर की नमाज मैंने जस्ट कंप्लीट की है और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे फ्रेंड को ड्रॉप करने कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सबसे पहला तो उसे मेरे हेल्प की ज़रूरत है, दूसरा कि मैं आप लोगों को अपडेट दे सकूँ सिचुएशन के बारे में कि यहाँ से जो ट्रैवल कर रहे हैं व्लॉग, यहाँ से जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया कनाडा से, तो उन लोगों के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस है और वो लोग मतलब जा पा रहे हैं कि नहीं. मैं उनसे बात करके पूछूंगा सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें अप्लीकेबल है, क्या क्या चीज़ें चल रही है. उसके बाद हो सके का तो मैं उन्हें कैमरे में लाने की कोशिश करूँगा. इफ़ नॉट देन फॉर श्योर आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन वॉट एवर इट्स नीडेड. सो जुड़े रहे मेरे ब्लॉग के साथ एंड लेट्स मीट एट हिज हाउस. चलते हैं पहले उनके घर, उनका सामान पैक किया हुआ है ऑलरेडी, गाड़ी में डालते हैं, उन्हें उठाते हैं और सीधा चलते हैं कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, YYC इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कम ऑन, लेट्स गो. हम लोग पहुंच चुके हैं कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हमारे पास एक लॉक नहीं है, तो हम लोग वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ लॉक कि हमारे पास एक लॉक है कि नहीं है. और फिर यहां से भाई साहब को चेक इन कराते हैं. वीडियो में आने से शर्मा रहे हमारे सनी भाई, लेकिन कोई बात नहीं, कभी और इंशाल्लाह लेके आएंगे उनको और चेक इन करवाते हैं. और उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ, यू नो, यहाँ के ट्रैवल के रिस्ट्रिक्शंस या फिर क्या सीन चल रही है, नहीं चल रही है. ओके, ये बेयर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अल्बर्टा में बहुत फेमस होते हैं ये ब्लैक बेयर्स. फाइनली 7-Eleven हम लोग को मिला है काफ़ी टाइम सर्च करने के बाद. हम लोग चलते हैं 7-Eleven और सर्च करते हैं कि वहाँ पे लॉक मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जो लॉक है हमारे पास उस लॉक से होना नहीं है कुछ भी. सो लेट्स सी मिलता है कि नहीं. ये रहा 7-Eleven, सारे कुकीज़ वगैरह है यहाँ पे. हमारा लक कोई ख़ास था नहीं, तो 7-Eleven में कुछ मिला नहीं. वी आर हेडिंग टू द सेकेंड वन, दो स्टोर हैं यहाँ पे. हो सकता है कि सेकेंड वाला 7-Eleven पे शायद लॉक हो, होता है तो ठीक है, वरना ऐसे ही जाना है इनका सामान. फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद, नीचे से पूरा अराइवल चेक करने के बाद दो स्टोर चेक किया. वन वॉज 7-Eleven, दूसरा भी 7-Eleven था. दो स्टोर और चेक किया हटसन करके. उसके बाद फिर जाके हम लोगों को ऊपर, जो कि डिपार्चर के एरिया में एक्सट्रीम एंड पे, एक स्टोर मिला है जिसका नाम है हटसन. ये अभी ओपन नहीं हुआ है, हम लोग गए अंदर, एंटर किए. सो उन्होंने कहा कि यू हैव टू वेट फॉर 20 मिनट्स. सो बाहर बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं 20 मिनट्स. जब वो ओपन हो जाएगा फुली टेल तो अपन जाएंगे और लॉक बाय करके अपन यूज़ करेंगे एंड देन वी शुड बी गुड टू गो चेक इन एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन. स्टोर हटसन में सारे सवीनियर्स वगैरह हैं. फाइनली बहुत मेहनत के बाद
$24 में दो लॉक्स मिले हैं, $24 की $4 कीमत भी नहीं होगी नॉर्मली अगर आप वॉलमार्ट में जाएंगे तो, लेकिन एयरपोर्ट है सिक्स टाइम्स कॉस्ट। बट या फाइनली मिल गई है तो सामान चोरी नहीं होगी। इनको कंसर्न था भाई साहब को कि अगर दिल्ली में सामान उतरा तो चोरी नहीं हो जाए, सामान खोल के ले ले, जो मेरा सामान जा रहा है कलकत्ता वो भी आधा गायब हो जाए। तो होपफुली दिस विल वर्क फॉर द टाइम बीइंग। सो गाइस दिमाग देखो, कंफ्यूज करने के लिए इसको यहाँ लगा दिया हम लोगों ने, और ये जो है ना मेन वाला यहाँ लगा दिया है। गाइस एक और चीज़, ये नेक्सस चेक इन देख रहे हो कनाडा यूएस का, ये नेक्सस चेक इन सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कि यूएस का नेक्सस कार्ड होल्ड करते हैं, उनके लिए बहुत इजी इमिग्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं, मेरे पास वीज़ा है यूएस का, तो मुझे नॉर्मल इमिग्रेशन से जाना पड़ेगा, बट दिस इज़ फास्ट एक्सप्रेस वन, सो नेक्सस में यूँ हो जाना है आपको, बस जाना है दो तीन कार्ड चेक करेंगे, बट जो नॉर्मल वाली होती है उसमें पूरा स्क्रीनिंग होता है, प्रॉपर स्क्रीनिंग होता है। तो ये वाला जो एरिया है ना, लेफ्ट मारोगे तो नेक्सस में, और फिर राइट साइड उस तरफ है जो कि मेन इमिग्रेशन है यूएस वाला। सो बायसनेस है, बट हाँ बहुत सारे लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं यूएस, तो उनका इजी के लिए नेक्सस कार्ड भी बनती है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट वन नेक्सस कार्ड। एक और चीज़ लेना पड़ा गाइस, जो है कि ये रहा पिलो नेक वाला, क्योंकि हमारे भाई साहब पिलो भी भूल के आ गए घर से, सामने रखा था इन्होंने बट उठाया नहीं, $20 इसमें भी गया। सो गाइस इससे हमें ये सीख मिलती है कि जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और ध्यान से सारी चेकलिस्ट से काम करनी चाहिए। सामने ही सुन रहे हैं भाई साहब, बस ठीक है। फ्रंट की चेकिंग चल रही है, पीछे बैगेज चेकिंग चल रही है। मैं यहाँ पे इसलिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि भाई साहब के पास एक एक किलो ज़्यादा है दोनों बैग में, हैंड बैग और लगेज में, दोनों में एक एक किलो ज़्यादा है। अगर पास हो जाता है तो ठीक है, पहुँच गया इंडिया, नहीं तो कुछ सामान मेरे साथ मेरे घर जा रही है। सो होपफुली दुआ यही है कि एक एक किलो चला जाए, वरना कुछ लोग उनके नाराज़ होंगे। मेरा तो सारा सामान जाने वाला जो भी आया, मैं कुछ नहीं निकालूंगा, सुबह सुबह उठ के यहाँ तक छोड़ने आया हो, इतना तो डिजर्व करता हूँ मैं। सो लेट्स सी वेट एंड वो चेक इन करा के यहीं आएंगे, फिर मैं छोड़ दूंगा सिक्योरिटी पे, एंड देन आई बी होम, एंड देन आई टेल यू बिफोर लाइक यू नो ऑल द थिंग्स व्हाट वाज रिक्वायर्ड हेयर फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस साइड। स्टे ट्यून्ड। ये रही गाइस सेल्फ चेक इन की मशीन, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और अपने सीट सिलेक्शन कर सकते हैं, अगर आपको अपग्रेडेड सीट चाहिए तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, और आपकी यहाँ से नीचे से डिस्पेंस हो जाएंगी आपकी बोर्डिंग पास, एंड देन यू शुड बी एबल टू गो। लाइक अब जिसके पास बैगेज नहीं होती है वो ये सारी यूज़ करते हैं। सो गाइज एट फर्स्ट वो कह रहे थे कि मतलब एक दो किलो ज़्यादा था, बट देन यू नो खुद ही स्टाफ ने कहा कि ओके दैट्स फाइन, चलता है। सो पैसे देने नहीं पड़े और मैं खाली हाथ यहाँ से जा रहा हूँ थैंकफुली। और अब करते हैं मुद्दे की बात कि क्या स्टेटस है यहाँ से ट्रैवल का। यहाँ से ट्रैवल का कोई भी इशू नहीं है, आराम से चेक इन हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ पासपोर्ट टिकट मांगा उनसे, स्टेटस ऑफ उनका जो भी यहाँ पे है। अब वो सीधा सिक्योरिटी चेक इन इमिग्रेशन वैंकूवर में होगा, बट यहाँ से कोई भी इशू नहीं हुआ एज फार एज मैं पूरा टाइम वहीं पे था, बैगेज चेक इन से लेके सिक्योरिटी पास बनाने तक मैं वहीं पे खड़ा था, एंड देयर इज़ नो इशू फ्रॉम दिस साइड। सिर्फ इंडिया से आने का भी कोई इशू नहीं है, जस्ट ये सारे हाइप बना के रखे हैं लोगों ने कि यू नो मुश्किल होता है, ये प्रॉब्लम चल रहा है। इट्स वेरी स्मूथ, बहुत ही आराम सा प्रोसेस था, कोई सा भी टेंशन नहीं है। जो बंदे आ रहे जा रहे हैं आराम से आप आना जाना करें, ये पॉलिटिकल टेंशन्स होते रहते हैं दुनिया में, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। फ़िलहाल के लिए जुड़े रहने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका, और हालांकि मैं ये कैलगरी एयरपोर्ट आज आ रहा हूँ, इसके बाद अगर मैं आऊँगा तो या तो मैं इंडिया जाऊँगा या तो मैं अपनी बहन से मिलने टोरंटो जाऊंगा, ये दो चीज़ें होंगी। उसके अलावा मैं आ नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाऊँ कैलगरी से, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, मैं भी फील करता हूँ कि यू नो घर जाऊँ। बट हैट्स ऑफ टू एवरीवन जो भी यहाँ पे
आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट बन के, स्टूडेंट लाइफ जीते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना गाइस, क्योंकि अगर आपको ये बाज होती है, एक चिड़िया होती है ईगल, वो आसमान में सबसे ऊँचे उड़ती है, तो आपने देखा होगा वो हमेशा अकेले उड़ती है। तो अगर आपको ऊँचा उड़ना है ना, तो आपको अकेला उड़ना पड़ेगा, आपको अकेला स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपकी माँ बाप की दुआएँ रहेंगी आपके साथ, लेकिन स्ट्रगल आपकी खुद की स्ट्रगल होगी। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, एंड होपफुली वील कम बैक विद अनदर एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। तब के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इंजीनियर मूव व्लॉग्स को। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।